हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि एजुकेशन फॉर सिविल। दोस्तों, मैंने आपको टाइमिंग के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे सरिये बारे में बताया था। तो चलिए आज मैं सरिये को मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली हमें करना क्या था। तो हमने टाइमिंग कास्टिंग कर चुका था पहले ही, उसमें पूरे अच्छे से सॉयल मैंने फिलिंग करवाया, उसके बाद पानी वगैरह डाल के पूरे अच्छे से कॉम्पैक्शन करवाया, हैमर वगैरह से पूरा मरवाया, और उसमें हमने 3 इंच सैंड फिलिंग करवाया। इसको सैंड फिलिंग फाइन एग्रीगेट्स उसे बोलते हैं, उसे हमने पूरा फिल करवा लिया। अभी ये हमारा कास्टिंग के लिए रेडी है, लेकिन इसमें ये जो सरिये जो आपको दिख रहे होंगे लंबे लंबे से पूरे टाइबिंग में, टाइबिंग टू टाइबिंग, तो ये है क्या तो एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि ये बेसमेंट है मेरी, तो बेसमेंट के ऊपर में पार्किंग होगी, तो पार्किंग में इसमें लोड बहुत सारे आने वाले हैं। तो इसमें हम क्या इस बार मतलब ऐसा पहली बार हम लोग कर रहे हैं इधर इधर इस एरिया में, ऐसे होता नहीं है जनरली इधर, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये पूरे सरिये निकाल के एक पूरा जाली बना देंगे हम लोग। ये इधर के सरिये में 8-8 इंच पे सारे सरिये हैं, तो इसमें क्या कि इधर से सरिये बांधूंगा मैं, इधर से मतलब दोनों को मिला के एक अल्टरनेट पूरा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से पूरी जाली बना देना है। इसके ऊपर कास्टिंग होगी, कवरिंग लगा के 50 mm का ब्लॉक डालूंगा इसके नीचे में, वो मैं कास्टिंग का जब होगी तो उसकी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो उस तरीके से करना है। अभी तो ये क्या है कि स्टेयर केस जो हम लोग बनाते हैं सीढ़ी, तो उसकी ये सरिये सीधा ऐसे ही खड़ा होता है। अभी जब हम लोग बेसमेंट डालते हैं तो सीधा खड़ा कर देना है, इसके आगे की मैं वीडियो बताऊंगा। ये मेरी 4 फीट की ये स्टेयर बनेगी, मतलब इसकी जो विड्थ होगी वो 4 फीट की होगी। तो अल्टरनेट करके हमने 8-8 सरिये खड़े किए हैं 4-6-6 इंच में। तो आप चाहो तो काउंट भी कर लो कि 8 फ्रंट में है और 8 बैक में है। तो इस तरीके से और भी खड़ा करना है। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियो में हमेशा छोटी छोटी वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।